प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए, गुरु का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है, जिसमें गुरु मकर से कुंभ में चले आएंगे, अर्थात आपके अष्टम से निकल के आपके नवम भाव में चले आएंगे। और यदि नए हो तो ये 3 नंबर में यदि चंद्रमा आपका है तो आपकी मिथुन राशि है, और आपकी कुंडली में यहाँ चंद्र न लिखा हो, यहीं लग्न लिखा हो, एएस लिखा हो इंग्लिश में, तो ये आपका मिथुन लग्न है। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। इसके पहले आप विशेष परेशान थे, पिछले गुरु का गोचर 20 नवंबर को हुआ था और तब से गुरु और शनि यहीं पे थे, भाग्यहीन योग बना हुआ था। पिता के लिए भी ठीक नहीं था, आपके लिए भी ठीक नहीं था, आपके धन के लिए भी ठीक नहीं था, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं था, आपकी नौकरी आदि के लिए भी ठीक नहीं था। और जब से अंगारक दोष इधर बन गया तो आपको वाहन आदि में, यात्रा आदि में कष्ट हुआ होगा, एक्सीडेंट आदि हो गया होगा, इस तरह की स्थिति थी। हमारे यहाँ तो घर ही पे हैं, हमारी पत्नी है, घुटना टूटा है, ऑपरेशन है, पड़ी हुई है, तो ये ऑपरेशन का भी भाव है, और यहाँ से हॉस्पिटल पे आराम का, उसके बाद घर बेड पे आराम का, ये भाव है। तो दोनों स्थितियाँ हैं। और यदि आपकी राशि कुंभ हो गई तो बहुत परेशानी भरी स्थिति, कुंभ का गोचर तो अभी भी खराब ही रहने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर आ गया, और आप चाहें तो जितना इधर गुरु ने लिया है उससे अधिक देने को ये गुरु अब तैयार हैं। क्या क्या देंगे अब देखिए, शुभ गोचर स्थान है चंद्रमा से 2, 5, 7, 9, 11, अर्थात चंद्रमा से जब देखेंगे तो ये है आपका चंद्रमा हुआ राशि मिथुन, तो यहाँ से शुभ गोचर गुरु, यहाँ से गुरु शुभ गोचर, यहाँ से शुभ, यहाँ से अति शुभ, और यहाँ भी शुभ है। गुरु का यहाँ पे जब गोचर होता है तो दशम में स्थित जो ग्रह होते हैं वो गुरु के शुभ फल का अवरोध कर देते हैं, अर्थात गुरु के शुभ फलों में काफ़ी कमी कर देंगे। परंतु यहाँ सूर्य भी अच्छा है, बुध का नीच भंग राजयोग है, दशम स्थान में गोचर अच्छा है, केंद्र लग्नेश भी है, शुक्र भी यहाँ पे जो है उच्च का है, अस्त है, तो भी बुध और शुक्र का यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, पराक्रम का स्वामी सूर्य यहाँ पे आया है, गोचर शुभ है, अर्थात यहाँ से ये 3 बड़े प्लैनेट इन्हों भी आपके लग्न के लिए कहे जा सकते हैं, और ये गुरु आपका शुभ गोचर में आ गया। थोड़ी सी निगेटिविटी है कि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़े रही है जो अष्टम स्थान में है, और गुरु का जो वेद है अभी 1 महीने तक रहेगा, ये 3 ग्रह इधर निकल आएंगे तो भी सूर्य का गोचर उत्तम होगा, बुध का गोचर उत्तम, शुक्र का भी गोचर उत्तम ही रहने वाला है, वह स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मंगल यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ और यहाँ पड़ेगी, मंगल आपके लिए निगेटिव रहने वाले हैं। तो यदि आप मंगल का उपचार कर लेते हैं तो आपके लिए यह जो गोचर है सर्वसिद्धिदायक, अर्थात हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है। पिछले दिनों से मैं काफ़ी सावधान सावधान कहा, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, तो आज मैं थंबनेल डालूंगा सर्व सब भाग्य सिद्धि योग, भाग्योदय वाला योग अच्छा लगना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले निगेटिव को दूर कर लीजिए, मंगल अभी भी निगेटिव है, मंगल के बीज मंत्रों का जप, कुछ लोग कहेंगे कि ये निगेटिव स्थान का है, बीज मंत्र जप नहीं करेंगे, तो ठीक है, मंगल का स्तोत्र करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं ज़्यादा तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, और मंगल का दान कीजिए, जैसे लाल मसूर हुआ और लाल कपड़े हुए, तांबा हुआ, उससे क्या होगा, मंगल की निगेटिविटी दूर होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरी आपको जो उपचार करना है वो बुध का करना है, क्योंकि बुध अभी भी नीच भंग में है, फिर भी बुध को और बल दीजिए, और शुक्र यदि आपकी कुंडली में ठीक ठाक है तो उसको भी रत्नों से, और बुध को रत्नों से बल दे दीजिए। अन्य किसी के रत्नों के बारे में मत सोचिए, रत्नों वाली हमारी अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो हैं, उन्हें आप देख पाएंगे डिस्क्रिप्शन खोल करके। अब देखेंगे गुरु क्या दे रहे हैं, तो यहाँ से गुरु सर्व सौभाग्य सिद्धिदायक योग बना रहे हैं, अर्थात भाग्योदय कराएंगे, पिता के स्वास्थ्य में उन्नति कराएंगे, आपके भाग्य को जगाएंगे, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, यहाँ से आपके स्वास्थ्य में सुधार कराएंगे, जो पहले एक्सीडेंट आदि हो गया तो इधर आप स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे गुरु के इस गोचर में, धन की वृद्धि भी कराएंगे गुरु, अच्छे विचार आएंगे, पहले जो आप विचारहीन स्थिति में थे क्योंकि गुरु आपका काफ़ी पीड़ित था, गुरु के पीड़ित हो जाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, व्यक्ति अच्छे लोगों की बात ही नहीं सुनता, अच्छा विचार कर ही नहीं पाता,
और बुध अच्छी स्थिति में हो तो बुद्धि तो बहुत प्रबल होती है, पर सत्संगति वो नहीं कर पाता और कहीं से भटक जाया करता है। ये गुरु अब आपको भटकने नहीं देंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे और आप सोच सही दिशा में सोच पाएंगे, जिससे आपका चहुदेश विकास होगा। पुत्र आदि के लिए आप इच्छा रख रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, निवेश करेंगे भविष्य में लाभ होगा। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा होगा, भाई बहनों से भी इस समय आपकी काफ़ी बनेगी, जो पहले नहीं बन रही थी यदि कुछ दिनों से, तो अब बनेगी, संबंध मधुर हो जाएंगे उनसे, और संचार आदि भी आपका अच्छा कार्य करेगा। यदि कंधे और बाहों आदि में कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी इस समय दूर होने की स्थिति में रहेगी। डायबिटीज आदि से पहले से पीड़ित थे तो उस समय थोड़ा सा तो सुधार आएगा ही आएगा, और लाभ भी विशेष तौर से आपको होता रहेगा। नौकरी चली गई थी तो नौकरी मिलने के भरपूर योग होंगे। विवाह से मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट चल रहा था तो वो इस समय मधुर हो जाएगा, और जो स्थिति ये बनेगी कि यात्राओं में अब आपको सुख प्राप्ति होगा। व्यापारी भागीदारियों से जो खटपट हो रही थी उनसे अब आपकी बनेगी, और व्यापारियों जो साझेदारों से मधुर संबंध बनेंगे उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका लाभ प्राप्त होगा। अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं तो लड़के या लड़की दोनों के लिए अच्छा योग बना हुआ है। इन 4-5 महीनों में प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं शादी तय हो जाएगी। तो इतने सारे उत्तम फल दिख रहे हैं आपके लिए, और इन सभी का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए और स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय तो हमने पहले ही बता दिया। गुरु का रत्न धारण मत कीजिएगा, भले ही गुरु की दशा आधी चल रही हो तो भी उसके लिए गुरु के मंत्रों पे जाइएगा। ओम ब्रें बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रें ग्रौंग सह गुरुवे नमः, ये मानसिक रूप से कभी भी जाप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। बीज मंत्रों का जप गुरु का कभी दोष नहीं लगेगा। दूसरा, भगवान नारायण की आराधना करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करेंगे, बड़ा लंबा है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो यदि पार लगेगा करेंगे ना तो वो मिसाइल की तरह से आपको ऊपर उठा देगा, और मतलब आपके भाग्य को, आपके कर्म को, आपके लग्न को, आपके शरीर को हर प्रकार से उन्नति वो दे देंगे। विष्णु सहस्र नाम का पाठ श्रद्धापूर्वक करते हैं तो समय लगेगा उसके, उससे बुध भी अच्छे हो जाएंगे, गुरु भी अच्छे हो जाएंगे, सूर्य भी अच्छे हो जाएंगे। सूर्य नारायण कहे जाते हैं, बहुत सारे ग्रहों की शांति होती है। मंत्र ही आता है, ओम शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वेदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्त, हर प्रकार के विघ्नों का शमन भी होता है भगवान नारायण की स्तुति से। तो वो करते रहें और अच्छा फल होगा, गुरु का दान करते रहें पीले चने का और उससे भी लाभ प्राप्त होगा। पीला केला ब्राह्मणों को दान दे उससे भी लाभ होगा। शिक्षकों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सत्पुरुषों का सम्मान करें, उससे भी गुरु मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।